जय हिंद, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। हम हैं हुलुमाले मालदीव्स में। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है और उसके बाद हमने एक फुल डे एक्सकर्शन बुक किया है जिसमें डॉल्फिन क्रूज, सैंड बीच, स्नॉर्कलिंग वगैरह कुछ एक्सकर्शन है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद एक्सकर्शन पे चलेंगे। ब्रेकफास्ट में यहाँ ज़्यादातर होटल्स में जो है वो सेट मेन्यू है, तो पॉइंट इन में भी कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का एक सेट मेन्यू है जो कि ये है, ब्रेड, ऑमलेट एंड सॉसेजेस। तो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है यहाँ पर। इस होटल में ऐसा नहीं है कि अगर आपको और ज़्यादा ब्रेकफास्ट में आइटम्स चाहिए तो नहीं मिलेंगी, आप अगेन ऑर्डर कर सकते हैं उन्हीं आइटम्स को अगर आपको ज़्यादा खाना है तो। और फ्रूट की ट्रे भी आई है, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी सब कुछ इंक्लूड है इस ब्रेकफास्ट में। तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, मज़ा आ गया और सॉसेजेस बहुत टेस्टी थे। मन्नी कुछ कहना चाहता है आप लोगों से, क्या कहते हैं? मन्नी जय हिंद। आज भाई हैंडसम लग रहा है मन्नी, देखो कितना है ना, बढ़िया लग रहा है हमारा मन्नी को। ब्रेकफास्ट मन्नी ने भी कर लिया, हम सब ने कर लिया है और एक्सकर्शन वालों की जो वैन है या कार है वो आती होगी। और फ्रूट का जो रिव्यू है वो हमारा मन्नी देगा। ऑरेंज खा रहा मन्नी, बताओ कैसा? ऑरेंज यहाँ पे अच्छा नहीं आता हमारे, और ऑरेंज अच्छा। मन्नी का जो ऑरेंज है वो अच्छा आता है घर में, यहाँ पे ऑरेंज इसे पसंद नहीं आया। लेकिन फ्रूट क्वालिटी बिल्कुल इंडिया जैसी है, जैसे इंडिया में टेस्ट है फ्रूट का वैसा ही टेस्ट यहाँ पर है कुछ। टैक्सी हमें आ गई है लेने और टैक्सी हमें उतारेगी हुलुमाले जेटी टर्मिनल पर। हम पहुँचे हैं टैक्सी द्वारा लाबुडी फेरी टर्मिनल हुलुमाले पर और इससे आगे का सफ़र हम बोट पर तय करेंगे। और जो कॉस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ इस एक्सकर्शन की जो कॉस्ट है वो पर पर्सन $70 है और बिलो 10 ईयर हाफ लगेंगे यानी कि $35। और 4 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए एक्सकर्शन फ्री है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा आगे का सफ़र। छोटी है। और ये फुल डे एडवेंचर ट्रिप हमने पॉइंट इन होटल से ही बुक करवाया था। पॉइंट इन होटल द्वारा बुक करवाए जाने पर हमें ये ट्रिप मार्केट रेट जो कि $70 पर पर्सन से 20% डिस्काउंट पर मिला। तो यदि आप पॉइंट इन होटल में स्टे करते हैं जो कि एक बहुत अच्छी ओशियन व्यू प्रॉपर्टी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सभी टूर और ट्रांसफ़र आदि पॉइंट इन होटल से ही बुक करवा लें। और हमारे साथ इस सफ़र पर हमारे गाइड हैं यान और रियाज भाई। और मालदीव्स में जब भी आप हैं तो एक बात जान लें कि यहाँ सारे हिंदी समझते हैं और बोल भी लेते हैं, तो कुछ भी हिंदी में कभी आप बात करें तो ये ध्यान रखना है कि ये सब लोग हिंदी जानते हैं। चलो One is sandbank, snorkeling and dolphin cruise. I'll stress on the dolphin cruise as it's a living thing. We cannot promise you that it will be 100% there, but normally every day we see them. So 99% we can see the dolphins. Okay, let's hope for the best. First we'll go to the sandbank, which will take like one hour or 45 minutes in between. Okay, on the way we will try to get some fish as well. Try to do some fishing. Yeah, okay. Also you can go on the sun deck, plus remove your shoes and slippers while you go up. Yeah, that's it. So after going to the sandbank, we will teach you how to use the equipment, those who don't know how to snorkel. Okay, we have all the equipments on board, all the safety equipments also on board, so we will be giving you all those things and give you a lesson on the spot of sandbank. Okay, after that we will do a small snorkeling lesson and take you to the snorkeling point. After the snorkeling point, again we will try all over the trip, we will be trying to see the dolphins. Normally, in the morning and on the way back, we will be seeing them, okay? So that will be the trip. We have a small changing room down here, okay? Also a washroom, if you would like to use it. Also on the island, you can change.
डेक पे खड़े हैं और हिल रही है भैया के साथ, सेल्फी भी हो गई। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना आइलैंड, ये कुरुम्बा आइलैंड रिजोर्ट है। कुरुम्बा, हाँ, ये पहला रिजोर्ट है, पहला जो यहाँ बना था। हाँ। ओके, ये जो सामने आप रिजॉर्ट देख रहे हैं ये कुरुम्बा आइलैंड रिजॉर्ट है, जो मालदीव्स में पहला रिजॉर्ट बना था। तो ये जो शिप दिख रही है इसके अंदर एक रात भी गुजारी जा सकती है, इसके अंदर रूम भी हैं और इसके अंदर बार भी है, अगर विस्की वगैरह अल्कोहल कुछ भी लेना है तो इसमें आके ली जा सकती है। कितना? 20 पीपल, 20 लोग इसके अंदर जा सकते हैं। $250 इसका फेयर है, ऑल इंक्लूसिव, सब फूड वगैरह ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ अराउंड $250 पर डे। भाई ये बिल्कुल फैन है बॉलीवुड के मालदीवियन, और ये हमारे एक भाई हैं। सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है भाई जान? ये भाई कराची से हैं और कोई पहचान नहीं सकता इंडियन और पाकिस्तानियों को, मेरे को इंडियन लगे थे भाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके, और अपनाइयत सी महसूस हो रही है जब से इनसे मिला हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, भाई हैं अपने, अच्छे इंसान हैं, और इनकी जो लैंग्वेज है ना पाकिस्तान वालों की, लाहौर की अलग कराची की अलग, बहुत मीठी जुबान है इनकी, जुबान कहते हैं तो बहुत ही मीठी जुबान है इनकी, जो पाकिस्तान की आम आवाम है वो बहुत अच्छी है। नेतागिरी और कट्टरपंथी को हटा देते हैं, लेकिन आम आवाम जिनसे भी आज तक मैं मिला हूँ बहुत अच्छी है, ऐसे ही है, सेम ये है। लेकिन इन्हें इमिग्रेशन पे रोक लिया था, क्या बोले? हाँ, मुझे बोलते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, अकेले आए हैं? तो फिर मैंने बताया कि जी मैंने मेरा वर्क वीज़ा है, मैंने सऊदी जाना है। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा साइड पे आ जाएं, फिर उन्होंने बाकी लोगों को फारिग किया, उसके बाद मेरी सारी डिटेल चेक की, फ़्लाइट्स वगैरह, रिटर्न फ़्लाइट, होटल की कन्फर्म बुकिंग, और फिर उसके बाद उन्होंने जाने पैसे भी देखे। हाँ, पैसे भी देखे, चश्मा मैं लगा लूँ भैया का, पैसे भी देखे, पैसे भी देखे। बताओ आप, पैसे भी देखे उन्होंने कि कितने लेके आए हो, और तकरीबन मेरे पास $2,000 थे, तो बस फिर उसके बाद उन्होंने जाने दिया। डॉलर देख के कुछ नहीं बोलते हैं? हाँ, डॉलर देख के नहीं बोलते, डॉलर तो चाहिए, डॉलर ही चाहिए, डॉलर ही चाहिए है ना। चश्मा कैसा लग रहा है? आप पे ज्यादा अच्छा लग रहा था ये। नहीं, ओके, अपना मन्नी को मिल गया एडवेंचर टूर। ये भाई पहले ऐसे आदमी मिले हैं जो मन्नी को शरीफ बता रहे हैं, कह रहे हैं ये वाला बेटा आपका शरीफ है। वैसे तो देखो यार है भी कितना शरीफ लग रहा आज। ये पीछे अपने भाई हैं, फिलीपीन से हैं ये तीनों। बहुत अच्छी जगह है फिलीपीन भी, मैं गया था एक बार, अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है और पार्टी प्लेस है, मस्त। और बताएं भाई कराची के हाल सब ठीक? कराची के ज़बरदस्त हालात हैं, और मौसम तो तक इससे थोड़ा सा लाइटर होता है, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी और ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ी कम होती है, लेकिन होती ह्यूमिडिटी वहाँ भी है। मैं कराची से 150 किलोमीटर है एक शहर हैदराबाद। हैदराबाद हमारे पास भी है। हाँ, आपका वाला तो बड़ा है यार, सारा अपना ही था, साले घोरों ने सब कुछ अलग कर दिया, सारा ही अपना था, वो वाला भी और ये वाला भी, आपका और हमारा ही था सब कुछ यार। ये देखो, ये बच्चा देखो आप, कितना शरीफ बच्चा, आपने कभी देखा है? आ जाओ, ये आयरन मैन है, इसका स्पाइडर मैन रह गया ना दोस्त, पावर कम हो गई। पावर, बोट टूट जाएगी, हम डूब जाएंगे, बोट टूट जाएगी, हम गिर जाएंगे। ये पूरे ट्रिप का सीन हो रहा है, आप ही हो रहा है? अरे भाई साहब ये तो संभाले नहीं संभलता। अच्छा, ये बहुत ही शरारती है, बहुत ज्यादा, इसके तो राम बचाएं। ये थोड़ा सा बोट पे हिल रही है ना, फर्स्ट टाइम इसका है कि ऐसा। अच्छा, वगैरह आपके वहाँ तो समंदर लगता कराची में? हाँ, लेकिन साहिल समंदर चले जाते हैं, जो पॉइंट्स बने हुए हैं वहाँ पे, डिफरेंट जगहों पे, एक सी व्यू है, उसके आगे टर्टल बीच है, मतलब इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, लेकिन बोट पे बैठना नहीं, वहाँ है भी नहीं बोट का एहसास, क्योंकि असल में टूरिज़्म
टूरिज्म को ना उन्होंने इतना किया नहीं है। अभी इमरान खान कर रहा है टूरिज्म की चीज़ों को, अब ठीक तो है ना। अभी तो उसको भी कोरोना हो गया, क्या हुआ उसकी वाइफ को और उसको भी कोरोना हो गया है इमरान खान साहब को। हाँ अभी रिसेंटली हुआ, अभी रिसेंटली 2-3 दिन। चलो कोरोना ने क्या कहना है इतने बड़े लोगों को। इमरान खान साहब हमारी दुआएं हैं आप जल्दी ठीक हो जाएं। कुछ डेवलपमेंट तो हुई है, मैंने देखा था स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा था कि ताल्लुकात थोड़े बेहतर होंगे, ऐसे 500 पॉइंट बढ़ी है पाकिस्तान। हमें इमरान खान साहब से बहुत उम्मीदें थी और हैं भी, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान हैं और पूरी दुनिया उन्होंने देखी है इमरान खान साहब ने, तो बहुत उम्मीदें हैं इमरान खान साहब आपसे। आपका कोरोना जल्दी से ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक हो और आप जल्दी से सरकार में आएं और अच्छे और शांति वाले काम करें। भाईजान नाम क्या था? सलमान। सलमान सलमान नाम है भाईजान का। सलमान खान बहुत फेमस है हमारे, पता है ना? हाँ बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान जानता है। हाँ बिल्कुल, सलमान खान, संजय दत्त, शाहरुख खान, और ये तो बड़े हैं। बाकी छोटे मोटे तो ऋतिक रोशन और ये। ऋतिक रोशन छोटा नहीं है, बड़ा है यार ऋतिक रोशन। नहीं मतलब पॉपुलैरिटी, ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है पाकिस्तान में? देखें कुछ लोग सलमान खान को पूरे, कुछ शाहरुख खान। शाहरुख और सलमान खान ये दो मेन है, दो मेन है ये पूरे वर्ल्ड में ही दो मेन है। You are gonna be viral. तकरीबन 45 मिनट बाद हम पहुंचे हैं सैंड आइलैंड पर, जिसको यहाँ पिकनिक आइलैंड भी कहते हैं। सैंड आइलैंड नहीं, ट्रैश आइलैंड बन चुका है। हम जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग लेसन के लिए। मजा आ गया यार अंदर जाके। सन्नी को कैसा लगा? अच्छा। ये लाइफ जैकेट आपका सहारा है, वहाँ पर वाटर काफी डीप होगा। आपके रास्ते क्यों रोक लेते हैं इंडिया वाले? सब है चाइना का साथ छोड़ दो, अनिल को ले डूबेगा तो।